नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले कौन कौन से राज्यों में यहाँ पर लॉकडाउन खुलने वाला, कौन कौन से राज्यों के प्रवासी भारतीय हैं जिनको अपने राज्य तक जाने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन हटने वाला, कौन कौन से राज्यों में ट्रेनें और बस सेवाएं यहाँ पर शुरू होने वाली है, साथ में कौन कौन से राज्यों में लॉकडाउन को लेकर छूट मिलने वाली है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले। साथ में दोस्तों आज की तमाम बड़ी खबरें देखने वाले, कौन कौन से राज्यों में कोरोना के कितने मरीजों का आंकड़ा बढ़ा और कौन कौन से राज्य जहां पर कोरोना के संक्रमण बहुत ही कम फैलाव के साथ में रहा और ग्रीन जोन भी कई राज्यों को घोषित कर दिया, कई जिलों को लगभग भारत के 400 जिलों के लगभग ऐसे हैं जहां पर जिनको ग्रीन जोन की श्रेणी में आने वाले हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जिनको ग्रीन श्रेणी में पहले ही यहां पर सरकार की तरफ से मान लिया गया, वहां सरकार की तरफ से तमाम बड़ी छूटें यहां पर दी जा रही। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 4 मई से शुरू होगी आपकी रेल और हवाई सेवा, इसको लेकर एयर इंडिया की टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर दोस्तों आज की, पूरे प्रदेश में 3 मई के बाद हवाई सेवाएं और रेल सेवाएं शुरू हो सकती है। उधर एयर इंडिया ने लॉकडाउन के अब दूसरे चरण की समाप्ति के बाद उड़ान भरने का फैसला ले लिया है। दोस्तों 4 मई से एयरलाइंस कुछ घरेलू उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग अब शुरू भी कर चुके हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 1 जून से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 1 जून से शुरू होगी, जबकि 4 मई से डोमेस्टिक सारी उड़ानें शुरू कर दी गई। सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। घर के यहाँ पर राजनाथ सिंह के घर में मंत्रियों की बैठक हुई और उसी में यह बड़ा फैसला लिया गया। दोस्तों सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं लिया है। लॉकडाउन 3 मई को आपका खत्म होने वाला, फिर से लेती है अगर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला सरकार फिर से लेती है तो इसमें बड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी तक तमाम सरकार की जो बैठकें हुई है, पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, तो उसमें यही फैसला रखा गया है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा और 4 मई से कुछ राज्यों में ट्रेनें भी शुरू होने वाली और सभी प्रवासी भारतीय मजदूरों को अपने राज्यों तक सरकार की तरफ से भेजा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों बात करते हैं, फिर मोदी सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है, कहा है कि अब मिलेगी लॉकडाउन से सभी राज्यों को आज़ादी। पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है, इस वायरस को रोकने के लिए सरकार ने 3 मई तक संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगाया था, परंतु इसके बावजूद भी संक्रमण अभी तक रुक नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ हद तक ये संक्रमण कम जरूर हुआ। इसके तहत पूरे लॉकडाउन के 35वें दिन मंगलवार 28 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते देश की गति रुक सी गई है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वायरस और उसकी संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन यहां पर बढ़ती जा रही है। अगर बात करें वायरस से मरने वालों की संख्या में भी लगातार यहां पर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वायरस से रोकथाम के लिए सरकार ने तत्परता दिखाते हुए देश में लॉकडाउन लगा दिया, जिसके फलस्वरूप वायरस की संख्या जो कि पहले 3.4 दिन में दोगुनी हो रही थी, वही अब 10.4 दिन में दोगुनी हो रही है, तो यह भी बहुत अच्छी बात है। साथ में बात करें, देशवासियों को उम्मीद है कि कोरोना वायरस संकट सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के चलते कम हो जाएगा। वही बात करें, देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 29,000 को पार कर चुकी है। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 29,435 लोग इस वायरस से पीड़ित बताए गए, जिसमें से 21,632 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जबकि 6,868 लोगों को देश के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। यह भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर देश में मंगलवार सुबह तक मरने वालों की संख्या है वो 934 तक पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह तक अंडमान निकोबार में 33 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिनमें से 11 को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। उधर आंध्र प्रदेश में मंगलवार सुबह 1183 मामले सामने आए, वहीं 235 को यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 31 की मौत हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कल एक मामला सामने आया, पहला मामला असम में, अब तक 36 लोग इस संक्रमण से पीड़ित बताए जा रहे हैं। साथ में अगर बात करें बिहार में, यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और बिहार में अब 345 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 57 लोग यहां पर अच्छे होकर तैयार होकर वापस भी चले गए। साथ में बात करें चंडीगढ़ में 40 नए मामले सामने आए, जिसमें 17 को डिस्चार्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़ में 37 नए मामले आए, जिसमें 32 लोगों को यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया। इसके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि दिल्ली का लॉकडाउन अभी
जल्दी खुलने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में लगातार वायरस का संक्रमण फैलता जा रहा है। वह कब खुलेगा इसके बारे में भी फैसला 3 मई को स्थिति का आकलन करने के बाद ही लिया जाएगा। हालांकि जरूरी सेवाओं की दुकानें जैसे दवाइयों की दुकानें, किराना की दुकानें, फल और सब्जी की दुकान